भाजपा प्रदेश महामंत्री इन दिनों काला ढूंगी विधानसभा के सभी मंडलों का दौरा कर रहे हैं, जहां उनके द्वारा प्रत्येक बूथ को मजबूती प्रदान करने के लिए कार्यकर्ताओं के साथ बैठक का दौर जारी है। भाजपा प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट काला ढूंगी विधानसभा के प्रत्येक बूथ कार्यकर्ताओं के साथ आगामी विधानसभा चुनाव में जीत के लिए कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दे रहे हैं। काला ढूंगी विधानसभा क्षेत्र के काला ढूंगी मंडल के सभी शक्ति केंद्रों पर बैठक आयोजित की है। इसी के तहत कालाढूंगी बंदोबस्ती में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट ने शक्ति केंद्रों में बैठक की। इस दौरान वक्ताओं ने सभी बूथ के प्रभारियों व बूथ कमेटियों को संबोधित करते हुए पार्टी की मजबूती को लेकर चर्चा की व शक्ति केंद्र व बूथ प्रभारियों की जिम्मेदारी के बारे में बताया। इस दौरान भारत माता एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय तथा स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी के फोटो पर पुष्प अर्पित कर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और प्रदेश के केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। भारतीय जनता पार्टी 2022 में फिर से उत्तराखंड के अंदर सरकार बनाएगी। हम इस बार उत्तराखंड का ये मिथक टूटेगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए वैसे भी ये सर्वदूर आजकल कहा जाता है कि एक बार भाजपा तो बार बार भाजपा। उत्तराखंड के अंदर भी हम सब कार्यकर्ता मिलकर केंद्र और प्रदेश सरकार की जो हमारी कल्याणकारी योजनाएं हैं उन सारी योजनाओं को नीचे तक पहुंचाकर और आम जनता को पार्टी के साथ जोड़कर हम फिर से उत्तराखंड में 2022 में सरकार बनाएंगे और इस मिथक को हम तोड़ेंगे।